सब तो पहला सारे रल के फतेह की सांझ पाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु दशमेश बागी, नलुआ वीर बागी, साडा बागी है पंथ परिवार लोको, साडा खून बागी, साडी जात बागी, ते साडा बागिया नाल विहार लोको। बागी ना साडा जम्मे बागिया दे, ते साडा बागिया नाल प्यार लोको। भगत सिंह बागी, उत्तम सिंह बागी, ते साडा बागी है सराबा करतार लोको। अज पंजाब दी इस बगावत नू देख के सरकार दी नींद हराम होई है। कुछ लोग कहंदे ने कि सरकार नू कोई फर्क नहीं पिया, पर मैनू लगदा है कि सरकार नू फर्क पिया है। ताही ता इस संघर्ष नू कमजोर करन दे लई पंजाब विच आउण वालियां सारियां ट्रेनां रोक दित्तियां जांदियां ने। पिंड विच जाण वाला 700 करोड़ दा विकास फंड भी रोक दित्ता जांदा है। कदे किसे पिंड विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बेअदबी हुंदी है, कदे किसे बीजेपी दे लीडर दी गड्डी भन्नी जांदी है, ते कदे दलितां दे हक विच रैली कड्डी जांदी है। जे नहीं भी करे दलितां दा तां पहलां उहनां नूं दलित कहना बंद करो। यूपी विच उठाओ उहनां दे हक विच आवाज, दियो इंसाफ भैण मनीषा नूं, क्यों नहीं दिंदे? खोलो सारे मंदिरां दे दरवाजे उहनां लई, क्यों नहीं उहनां खिलाफ कार्रवाई करदे जिहड़े कहिंदे ने कि उहनां नूं मुच्छां रखण ते घोड़ी चढ़न दा कोई हक नहीं। थोड़ा एक लीडर कहता है कि ठाकुरां दा खून गर्म हुंदा है, जे ठाकुरां दा खून इन्ना ही गर्म हुंदा है तां भेजो उहनां नूं चाइना दे बॉर्डर ते, क्यों नहीं भेजदे? तुसीं सानूं कदे हुल्लड़बाज कहिंदे हो ते कदे दलाल कहिंदे हो। मोदी साहब कहिंदे ने कि किसान खुश है, जे किसान खुश है तां आओ होवो शरीक साडियां खुशियां च, क्यों नहीं आउंदे ते साडे नाल गल करदे? तुसीं अपने मन की बात रेडियो ते करदे हो, जेड़े लखां लोग तुहाडे नाल अपने मन की बात करना चाहुंदे ने उहनां दी गल कौन सुणू? तुसी YouTube ते डिसलाइक दा ऑप्शन हटा दिंदे हो। तुसी कहंदे हो तुसी बहुत विकास कीता है, जे तुसी इन्ना ही विकास कीता है फिर सवालां तों क्यों भजदे हो? तुसी अक्षय कुमार नूं इंटरव्यू दिंदे हो, कदे रविश कुमार नूं भी इंटरव्यू दे के देखो, जे डरदे हो उहनां दे सवालां तों। थोड़े तो मंत्री भी अर्थव्यवस्था के नाँ के सवालों से चुप कर जाते हैं। मैनू लगता है थोनू राज करना नहीं आता, जे राज करना सीखना है तो सीखो खालसे तो। राज कीता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, राज कीता सी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। उन्हें कहते लोगों का राज, लोगों को जातों पातों के धर्मों के नाँ से लड़ा के राज नहीं होंगे, वो सियासत होंगी है। मैं थोनू कहंदी हां कि तुसी 10 साल लई राज खालसे दे हाथ विच दे दियो, थोनू चीन तो तिब्बत भी लैके दिखा देंगे। असी चरखे वाले नहीं, चरखड़ियां वाले हां। ये जो साडे सिर ते पग्गां ने ना, वो एवें नहीं मिलियां सानू, बहुत कुर्बानियां करके मिलियां ने। सत श्री अकाल। कहंदे जी कि तकलीफां किन्नियां झल्लियां दस्तारां नू पता, मिलियां ने किन्नियां महंगियां सरदारां नू पता। पग कोई कपड़ा नहीं, इज्जत है साडी इज्जत। जदों भी कोई कुड़ी अपने घर तो बाहर जांदी है तो उसदे प्यो दी पग उसदे नाल नाल जांदी है। वेखिए कदे पगां ते चुन्नियां दी सेल। पग कली भी है, पग फौज भी है, पग नितरे मन दी मौज भी है, पग सफर भी है, जफर भी है, गीत भी है, पग नजर भी है, पग नीत भी है। पग तिड़कदे थिड़कदे नेत्रां चो उठदी इक रूहानी तान भी है, पग तेग भी है, पग तेग भी है, पग धरत भी है, पग आसमान भी है। पर अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि असी अपने घरां विच भी पग नूं संभाल नहीं पा रहे हां। दरबार साहिब विच असी तीजे दिन पग दी बेअदबी करदे हां, असी तलवारां चलाउंदे आ ते इक दूजे दीआं पग्गां उछालदे आ। असी अपनी धी नूं समझांदे आ कि धीए साडी पग नूं कदे दाग ना लई, ते ओही पग बन के दूजिआं दीआं धीआं भैणां बारे गलत बोलदे आ। ओही पग बन के असी कुड़ी वाले तो दाज लैंदे आ। जे साडा कोई भरा पग बन के किसे कुड़ी बारे गलत कमेंट करे तां उस नूं जाके कहो कि जा तां पग ला दे जा सोच बदल लै, क्योंकि गुरु साहिब ने सानू यह पग इज्जतां दी राखी करन वास्ते दित्ती है, इज्जतां उछालन वास्ते नहीं दित्ती।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਡੇਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਰੇ ਰੰਬੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਦੇ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਰੁਸੀਆਂ ਰੁਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਹਲੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।